संभल में राहत और बचाव का कार्य जारी है। डीआईजी हमारे साथ हैं, माथुर जी उनसे बात कर लेते हैं। सर एक चीज जानना चाहूंगा कि अब तक क्या स्थिति है, कितने लोगों को बाहर निकाल लिया गया? जी टोटल 8 लोग को बाहर निकाला गया है, उसमें से एक की सिचुएशन क्रिटिकल बताई गई थी और जैसे ही उसके बारे में कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगा मैं बताऊंगा आपको। और निरंतर रूप से ऑपरेशन चालू है, जैसी सूचना मिली थी मॉर्निंग में ही सूचना 11:30-12 बजे के आसपास की घटना की है और सूचना मिलते ही स्थानीय जो पुलिस अधिकारी थे और प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग यहां पर आ गए थे और उनसे बातचीत की गई और यहां पर जो भी रिसोर्सेज और स्थानीय स्तर से प्रथम दृष्टया लगाए गए और उसके बाद अभी वर्तमान में SDRF NDRF की टीम भी यहां पर आ गई है और स्थानीय जो पब्लिक है उनको थोड़ा सा दूर यहां से किया गया है सुरक्षा के लिहाज से उनको थोड़ा सा दूर किया गया। हमारा ऑपरेशन राउंड द क्लॉक चलता रहे इसके लिए अतिरिक्त फोर्स की आवश्यकता है, अतिरिक्त कंपोनेंट्स की आवश्यकता है, साथ ही साथ जो लाइट्स आप देख रहे होंगे वैकल्पिक लाइट्स की भी व्यवस्था यहाँ पे कर दी गई है। NDRF की टीम यहाँ पर आ गई है और वो स्पेशलिस्ट एजेंसीज हैं, उनके पास और भी ट्रेन मैन पावर है, SDRF के साथ में कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं और होपफुली हम लोग प्रयासरत है कि जल्दी से जल्दी जो लोग रेस्क्यू 100% करा लिया जाए और जिनको इलाज की आवश्यकता है उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया। अच्छा सर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि कितने लोग और हो सकते हैं, तरह तरह की बातें आ रही हैं सामने। जी अभी ये कह पाना वास्तविकता में काफ़ी मुश्किल होगा कि कितने लोग हो सकते हैं। संख्या इनिशियली 30 बताई गई थी, बीच में 11 से 15 बताई गई, बट टिल हम लोग खुद मुतमैन नहीं हो जाएंगे लास्ट पर्सन तक, तब तक मतलब जल्दबाजी होगी एग्जैक्ट संख्या बताना। हम ये मान के चल रहे हैं कि अंदर जो है रेस्क्यू ऑपरेशंस हमें और लोग भी वहां पर मिल सकते हैं और जो NDRF की टीम है उनके पास स्निफर डॉग्स भी हैं। अभी तो क्योंकि हम लोग उनको ट्रेस कर पा रहे हैं, देख करवा रहे हैं और उन लोग वो लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो हम लोग उसी स्तर पर वो कर रहे हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो स्निफर डॉग्स इत्यादि की भी जरूरत पड़ेगी तो उनको भी यूज किया जाए। अच्छा सर देख रहे हैं कि जो पब्लिक से हमारी बात हुई, पब्लिक का कहना है कि हम लोग संतुष्ट हैं, जो राहत और बचाव का कार्य चल रहा है तो लग रहा है कि जिस स्थिति से काम चल रहा है तो लगता है कि रात के लिए व्यवस्था कर ली गई है। जी पूरी तरह जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, प्लस हम यहाँ के रिकॉर्ड्स भी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग रेस्क्यू किए गए हैं उनसे जैसे जैसे कंडीशन हो पा रही है उनसे बात करने का प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर से भी बात ये करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोग यहाँ पर वर्किंग के लिए आते हैं उनमें से कितने लोग मिसिंग है, सो दैट हम एग्जैक्ट नंबर को ट्रेस कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डीआईजी शलभ माथुर जी हमारे साथ, सीधा कहना है कि पूरी कोशिश की जा रही है, बार बार संख्या बदल रही है लेकिन जब तक भी एक एक शख्स अंदर होगा तब तक अभियान इसी तरीके से जारी रहेगा, राहत और बचाव का कार्य जारी रहेगा और रात के हिसाब से जो तैयारी है वो अभी से कर ली गई है। फोर्स का जो मूवमेंट है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है और लोगों को इस कोल्ड स्टोर से सिर्फ इसलिए दूर किया गया है ताकि राहत और बचाव के काम में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनु शर्मा, ABP गंगा, संभल। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।